नमस्कार, स्वागत है आप सभी का mahindraguru.com पर। हाउ टू क्रैक एसबीआई का आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। जैसे हमारे बहुत सारे विद्यार्थी टाइम एंड वर्क की ट्रिक सीखना चाह रहे थे, तो इसलिए आज हमने क्या लाए हैं, टाइम एंड वर्क आपके लिए। समय और कार्य की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट में तीन छोटी चीजें हमें याद रखनी होती है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि समय व्युत्क्रमानुपाती है कार्य क्षमता के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर टाइम बढ़ रहा है यानी समय बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि कार्य क्षमता को कम किया जा रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि कार्य क्षमता अगर बढ़ाई जा रही है तो समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका एग्जांपल बहुत छोटा सा एक ले लेते हैं। मान लीजिए कि अगर क्या हो, आपके बाइक चला रहे हो, आपको 100 किलोमीटर जाना है, आपने 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू किया, तो ये जो 100 किलोमीटर है वो आपका क्या हो गया, कार्य हो गया। चाल यानी स्पीड जिससे आप जा रहे हैं वो क्या हो गया, कार्य क्षमता हो गई, और समय तो समय है। तो हमें क्या करना है, 50 किलोमीटर की चाल यानी ये जो हमारी कार्य क्षमता है उससे 100 किलोमीटर कार्य पूरा करना है, तो हमें कितना समय लगेगा, 2 घंटे लगेगा। अब मैंने क्या किया, अपनी कार्य क्षमता बढ़ा दी यानी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, गाड़ी की स्पीड कर दी गई अब 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटा अगर हमने चाल कर दी तो हम 100 किलोमीटर कितने घंटे में कवर कर लेंगे, बिल्कुल 1 घंटे में। यानी हमें क्या हो गया, समय कम लेना लिया हमने, क्यों, क्योंकि हमने अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा दिया था। अगर हम अपनी कार्य क्षमता कम कर दें, यानी हम मान लीजिए मैंने स्पीड कर ली 25 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर चाल हो गई है 25 किलोमीटर प्रति घंटा तो हमें कितना टाइम लगेगा, 4 घंटे। यानी कि वही दूरी हम अलग अलग समय में तय करते हैं क्योंकि हमारी कार्य क्षमताएं बदल रही हैं। जब कार्य क्षमता हमने बढ़ा दी थी यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी थी तो हमारा समय क्या हो गया था, कम हो गया था। कितना कम हो गया था, चाल दुगनी करी, समय आधा हो गया। हमने कार्य क्षमता को आधा किया यानी चाल को आधा किया तो समय क्या हो गया, दुगना हो गया। तो कार्य क्षमता इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यानी व्युत्क्रमानुपाती है किसके, समय। दूसरी कंडीशन यहां पे क्या दे रखी है, समय व्युत्क्रमानुपाती है श्रमिकों की संख्या के। मतलब जो हमारा समय है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, कितने लोग काम पे आ रहे हैं। मान लीजिए हमें जो लोग हैं काम पर आए थे, हमने उन्हें क्या किया, कम कर दिया। पहले 10 लोग काम पे आ रहे थे, 5 लोग काम पे आ रहे हैं, तो क्या होगा, समय बढ़ जाएगा। या फिर हमने लोग बढ़ा दिए तो समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में एक केक रखा है, आप उस पूरे केक को एक दिन में खा सकते हैं, आपका एक भाई है वो भी उसी केक को एक दिन में खा सकता है, आप दोनों एक साथ आ गए घर पे, तो क्या होगा, केक आधे दिन में खत्म हो जाएगा, आधा आपने खा लिया, आधा आपके भाई ने खा लिया। तो यहाँ पे क्या है कि अगर लोग बढ़ जाएंगे तो काम क्या हो जाएगा, जल्दी पूरा हो जाएगा, अगर लोग कम हो जाएंगे तो काम क्या होगा, ज्यादा समय। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, श्रमिकों की संख्या अनुपाती है कार्य क्षमता के। मतलब कि अगर हम लोग नंबर ऑफ वर्कर्स को बढ़ा दें यानी जितने लोग काम पर आ रहे हैं उन्हें बढ़ा दें, तो कार्य क्षमता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी काम मैं 5 चॉकलेट 5 दिन में खाता हूं, ठीक है, एक और व्यक्ति है जो एक 5 चॉकलेट खाता है एक दिन में, यानी कि 2 लोग मिलकर कितनी चॉकलेट खा सकते हैं, 10। यानी जब 2 लोग एक साथ आए तो कार्य क्षमता क्या होगी, बढ़ गई, क्योंकि उन दोनों की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी। तो कार्य क्षमता बढ़ जाएगी अगर नंबर जो है बढ़ा दिए जाए मजदूरों के, और कार्य नंबर अगर घटा दिए जाएंगे तो कार्य क्षमता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो हमें यहाँ पे क्या पता चलता है, हमें यहाँ पे पता चलता है कि कार्य क्षमता बढ़ जाती है अगर मजदूरों की संख्या बढ़ा दी जाए, कार्य क्षमता कम हो जाती है अगर मजदूरों की संख्या घटा दी जाए, या इसका वाइस वर्सा। अब बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट, ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी कार्य को हम क्या करते हैं, एक मान लेते हैं, पर आज हम ऐसा नहीं करते, आज हम अपने ट्रिक्स को थोड़ा सा रिवर्स करेंगे। देखिए, आप पहले एक बार बेसिक का कॉन्सेप्ट क्या था, 1/टाइम कर दो तो हमारे पास कार्य क्षमता आ जाती है किसी की भी, क्योंकि वर्क हमने मान लिया 1, टाइम से डिवाइड किया, कार्य क्षमता आ गई। यानी अगर 20 ए किसी काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में वो कितना काम कर लेगा, 1/10 भाग कर लेगा काम का।
पर यहाँ पे दिक्कत क्या आती थी कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो फ्रैक्शन में जाकर आगे हमें दिक्कत देता है। अब हमने कॉन्सेप्ट क्या निकाला, हमने कहा भैया अगर हमें कार्य क्षमता ही माननी है और वन से डिवाइड करके आ रही है तो हम वर्क को ऐसा कुछ मान ले जो टाइम से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, ताकि जो हमारी कार्य क्षमता है वो फ्रैक्शन में ना आकर किसमें आ जाए, इंटीजर्स में आ जाए, यानी पूर्णांक आ जाए। तो ऐसे कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो हम क्या करते हैं यहां पर इन दिनों का एलसीएम ले लेते हैं, यानी लासापा ले लेते हैं। 10 और 20 का एलसीएम हो गया मान लीजिए 20, 10 और 20 का एलसीएम हो गया 20, ए कितना काम कर सकता है। अब हमें पता है 20 काम ए को 10 दिन में करना है, यानी ए क्या करेगा, 2 यूनिट काम कर लेगा एक दिन में, सही है। 20 यूनिट काम था जो ए 10 दिन में कर सकता है, इसका मतलब ए एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। कैसे निकाला, वर्क को टाइम से डिवाइड कर दिया, हमारे पास कार्य क्षमता आ गई। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, बी 20 दिन में 20 काम करते हैं, यानी एक यूनिट काम करेगा एक दिन में। बस ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट हम पकड़ लेते हैं कि जो हमारा वर्क है वो हमेशा क्या हो, एक ऐसा नंबर हो जो हमारे टाइम से डिवाइड हो रहा हो। और जैसे ही हमें ये मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, कार्य क्षमताएं निकाल लेते हैं और फिर सवाल को कार्य क्षमताओं की मदद से सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसके सवाल और इनको हम कैसे अप्लाई करेंगे पेपर। सवाल कह रहा है ए 10 दिनों में काम का एक टुकड़ा कर सकता है और बी वही काम 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो हमें पता चल गया ए का एक दिन में 10 काम कर सकता है, बी यही काम 15 दिन में कर सकता है। कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं अगर ये दोनों एक साथ काम करते हैं। अब ये दोनों भाई एक साथ काम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, जो बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है। एलसीएम आ गया 30। अब देखिए ए 10 दिन में ये 30 काम कर रहा है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट, सही है। बी 15 दिन में ये 30 काम करता है, यानी बी यही काम कितने दिन में करेगा, बी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट। ए 10 दिन में 30 काम करता है, यानी ए 3 यूनिट काम करेगा एक दिन में, बी 15 दिन में 30 यूनिट काम करता है, इसका मतलब बी 2 यूनिट काम करेगा एक दिन। तो अब हमारे पास अगर ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना काम हो जाएगा, 3 + 2 = 5 काम हो जाएगा एक दिन में। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, 3 + 2 = 5 काम हो गया, तो 30 काम कितनी देर में होगा, 30 / 5 6 दिन आंसर आ गया। क्लियर, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा भैया हम फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए ये ट्रिक जो है, आपके सवाल ऐसे बेसिक पे तो आते नहीं है, आपके सवाल इस कॉन्सेप्ट की मदद से जो टफ पार्ट है यहां का उसे सॉल्व करने में इजी कर देते हैं। तो हम बस यही दिमाग में रखते हैं कॉन्सेप्ट को और अब आपके टफ जो सवाल पेपर्स में आते हैं उनकी तरफ पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है, राहुल और रवि 8 दिन में काम का एक टुकड़ा कर सकते हैं। अब हमारे पास दो लोगों का पेयर है जहां पे राहुल प्लस रवि कह रहे हैं, राहुल प्लस रवि कितने दिन में काम करते हैं, 8 दिन में काम करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं रवि अकेले इस काम को 12 दिन में कर सकता है, रवि अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। अब देखिए हम 8 और 12 का एलसीएम लेंगे। अच्छा, कई लोगों के दिमाग में सवाल आया ये 4 दिन भी तो दिख रहा है, इसको क्यों छोड़ दिया, जब हम दिनों का एलसीएम ले रहे हैं तो 4 दिन का एलसीएम क्यों नहीं ले रहे। देखिए हम हमेशा उन दिनों के एलसीएम की बात करते हैं जिनमें काम पूरा किया गया हो। आप देखिए यहां पे रवि और इन दोनों ने मिलकर सिर्फ 4 दिन काम किया, यानी उस 4 दिन में काम पूरा नहीं हो रहा है। अगर काम पूरा नहीं हो रहा है तो हम उसको एलसीएम में कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर, अब देखिए बात करें 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 24, यानी राहुल और रवि मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकते हैं, जबकि रवि 12 दिन में ये काम करता है, यानी रवि अकेले 2 यूनिट काम कर सकता है एक दिन में, सही है। अब इन दोनों ने मिलकर एक साथ काम किया 4 दिन। अब ये भैया एक साथ काम कर रहे हैं तो कितना काम कर लेंगे, 3 काम एक दिन में करते हैं, 4 दिन तक काम किया, 12 काम कर लिया।
अब देखिए हमारे पास 24 काम था जिसमें से 12 काम हो गया, तो कितना काम बचा है? 12 काम बचा है, 24 में से 12 काम हो गया है, तो 12 काम बचा है। अब ये करने कौन आएगा? राहुल आएगा। अब राहुल ये काम कैसे करेगा? हमें पता है कि रवि और राहुल की कार्य क्षमताओं का योग था 3। अगर इसमें से मैं राहुल का रवि का काम हटा दूं तो मेरे पास किसका काम बचेगा? राहुल का। तो हम कह सकते हैं राहुल कितने दिन में काम कर, एक दिन में कितना काम करेगा? 3 - 2 एक काम करेगा। क्या किया? दोनों मिलकर 3 काम कर रहे थे, रवि अकेला 2 काम कर रहा है, यानी राहुल कितना काम करेगा? एक दिन में एक काम करेगा। अब राहुल एक दिन में एक काम कर रहा है और काम उसके लिए कितना बचा है? 12। तो अब इसे ये 12 काम करना है, तो ये कितने दिन में कर लेगा? एक दिन में एक काम करता है, तो 12 काम 12 दिन में करेगा। सही है। एक बार फिर जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्या है? राहुल और रवि 8 दिन में काम करते हैं, रवि 12 दिन में काम करता है, यानी कि राहुल और रवि 3 काम कर रहे होंगे एक दिन में, रवि 2 काम कर रहा होगा। अब ये क्या हुआ? इन दोनों ने 4 दिन काम किया, तो 3 × 4 = 12 काम हो गया। 24 काम था टोटल, जिसमें से 12 काम हो गया, तो 12 काम बचा है। अब ये 12 काम कंप्लीट करने कौन आएगा? राहुल आएगा, क्योंकि रवि काम छोड़कर चला गया। अब राहुल काम करने पर आ रहा है, राहुल अकेले के काम कितने, मतलब एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम दोनों मिलकर कर रहे थे, रवि अकेला 2 काम कर रहा है, 3 में से 2 को हटा दिया, तो राहुल का काम आ गया एक दिन का जो है 1 काम। तो 12 काम कितने दिन में हो जाएगा? 12/1 यानी 12 दिन में आंसर आ गया हमारा। अब देखिए यहां पर हमारी पेयरिंग में सवाल है और उसकी हमने कुछ कंडीशंस दे रखी है। कंडीशन किस प्रकार से दे रखी है आप देखिए, यहां पे लिख लेते हैं ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस। हमें पता है ए प्लस बी मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। बी प्लस सी यही काम को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। सी प्लस ए इसी काम को करते हैं? 12 दिन में। अब क्या करना है? एलसीएम ले लेना है 10, 12 और 10, 15 और 12 का। 10, 15 और 12 का एलसीएम होता है 60। तो हमें क्या पता चला? ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 6। बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 4। और सी प्लस मिलकर एक दिन में काम करेंगे? 5। सही, 6, 4 और 5। अब देखिए यहां पे हमारी सबसे पहली कंडीशन आती है, यदि तीनों एक साथ काम करें। अब भैया तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो क्या होगा? देखिए अगर हम इन तीनों को ऐड कर दे तो हमारे पास क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, 6 + 4 + 5। अब यहां पे हमने ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे पास 2 बार ए आया है, 2 बार बी आया है और 2 बार सी आया है, यानी हमारी जो कार्य क्षमता, कार्य करने के लोग हैं वो क्या हो रहे हैं? दुगने हो रहे हैं, यानी कार्य क्षमता भी दुगनी हो रही होगी। तो अगर हम कार्य करने वाले लोगों को आधा कर दें तो कार्य क्षमता को भी क्या करना पड़ेगा? आधा। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जो लोगों की संख्या है अगर वो बढ़ा दी जाए तो कार्य क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है। और वहीं पे अगर लोगों की कार्य क्षमता को क्या कर दिया जाए, लोगों की संख्या को क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए, तो कार्य क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर अभी हम लोगों की संख्या को आधा कर रहे हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी को कर दें, डिवाइड बाय 2 किया है, तो यहां पे भी क्या करना पड़ेगा? 15 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब पहली चीज तो ये आ गई। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है ये तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? 60 काम है, तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो 15/2 काम हो जाता है। तो 60 काम कितने दिन में होगा? 60 को 15/2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया? 60 × 2 / 15। 15 से ये चला गया 4 बार, 4 × 2 आ गया 8 दिन। तुम्हारा आंसर क्या आ गया? 8। सही है। अब ये हो गया पहला पार्ट। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट। दूसरे पार्ट में हमसे कहा जा रहा है यदि तीनों एक साथ, सॉरी, यदि ए अकेले ये काम करे। अब ए अकेले काम करे तब क्या कंडीशन हो गई है? देखिए ए प्लस बी हमारा वही कितना दे, 10। बी प्लस सी है हमारा 15। ए प्लस सी है 12। सही है, एलसीएम आया था 60,
10 से चला गया ये कितनी बार, 6, 15 से चला गया 4, 12 से चला गया 5 बार। अब देखिए यहां पर हमें क्या पता था कि a प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता है 15/2, अभी निकाला था। अब हमें a की कार्य क्षमता चाहिए। देखिए अगर हम a प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता में से b प्लस सी की कार्य क्षमता हटा दे, a प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता से किसकी कार्य क्षमता हटा दे, b प्लस सी की, यानी 15/2 में से 4 हटा दे। b प्लस सी कितना काम कर रहा है, 4 कर रहा है एक दिन में। तो हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी यानी 15/2 जो कार्य क्षमता थी उसमें से b प्लस सी की कार्य क्षमता हटा दी, तो हमारे पास किसकी कार्य क्षमता आएगी, a की कार्य क्षमता आएगी। किसकी कार्य क्षमता आएगी, a की कार्य क्षमता आएगी। और a की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 × 4 = 8, 15 में से 8 गए 7, यानी 7/2 a की कार्य क्षमता आ गई। अब a को कितना काम करना है, 60, तो कितने दिन में कर लेगा, 60/7/2, 2 ऊपर चला गया तो 120/7 आ गया, जिसे हम लिख सकते हैं 17 सही 1/7 दिन, 17 × 719 यानी 119 और 1 120 हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 17 सही 1/7 दिन, सही है। अब देखिए जो नेक्स्ट केस है वो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को। यहां पे लिखा जाता है यदि यह एकांतर क्रम में काम करें। अब एकांतर क्रम का मतलब क्या है, एकांतर क्रम का मतलब है कि भाई पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा और तीसरे दिन सी आएगा। ए बी सी तीन लोग हैं, पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, तीसरे दिन सी आया, यानी ये तीनों मिलकर जो काम कर रहे थे, कितना काम कर रहे थे तीनों मिलकर, 15/2, याद है ना, ए प्लस बी 10 दिन में कर रहा था, बी प्लस सी 15 दिन में कर रहा था, सी प्लस ए 12 दिन में कर रहा था, इनका कार्य क्षमता आई थी कितनी, ये 60 एलसीएम आया था, 6, 4, 5, और ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता आ गई थी इसी वजह से 15/2। अब देखिए ए पहले दिन काम करा, तो बी दूसरे दिन काम किया और सी तीसरे दिन काम किया, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो 15/2 काम है वो कितने दिन का काम हो गया, 3 दिन का। अब हमें काम कितना करना है, 60। आप देखिए यूजुअली क्या होता है, ये अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो हम क्या करते हैं, अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल है यानी इससे ये पूर्ण तरह विभाजित हो जाता है, जैसे यहां पर हो रहा है 8 दिन आ रहा था हमारा, है ना। तो देखिए भाई 15/2 करने में 3 दिन लग रहे थे, तो जो काम इन्हें 8 दिन में करना है, ये एक दिन का काम 3 दिन में हो जा रहा है, तो 8 दिन का काम क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 × 3 = 24। सही है, फिर से समझ लीजिए क्या किया, अगर 15/2 काम 3 दिन में हो रहा है, यानी हर 15/2 काम कितने दिन में होगा, 3 दिन में होगा, तो क्या हो जाएगा, जब हम 15/2 से 60 को डिवाइड कर रहे थे तो 8 आ रहा था हमारा, एक दिन की जगह हमें 3 दिन काम करना पड़ रहा है, यानी हर काम को 3 गुना समय लग रहा है करने में, तो अब 8 दिन की जगह हमारा कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना हो जाएगा, 8 × 24, हमारा आंसर आ गया 24 days। अब देखिए नेक्स्ट केस आपको दे रहा है, ए रोज काम पर आए और क्रमशः बी और सी एकांत क्रम में सहायता के लिए आए। अब भैया ए रोज काम पे आ रहा है और देखिए फिर से वही ए प्लस बी 10, बी प्लस सी 15 और सी प्लस ए 12, 60 एलसीएम है, 6, 4, 5। अब देखिए क्या हुआ, पहले दिन ए प्लस बी आया गी, क्योंकि ए रोज आ रहा है, बी उसके साथ आ रहा है पहले दिन, फिर आ रहा है बी प्लस सी, सॉरी ए प्लस सी, क्योंकि ए रोज आ रहा है, बी और सी बदल बदल के आ रहे हैं, यानी पहले दिन आए ए प्लस बी, दूसरे दिन आया ए प्लस सी, तीसरे दिन फिर ए प्लस बी, चौथे दिन फिर ए प्लस सी, क्रमशः एकांत क्रम में बी और सी बदलते रहेंगे। ए हमारा रोज काम कर रहा है, ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 6, ए प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5,
यानी हमें पता चल गया कि दो दिन में कितना काम कर लेंगे, ये 11 काम कर लेंगे। अभी देखिए वहां पे तो हम बहुत सिंपली डिवाइड करके चेक कर दे रहे थे, अब यहां पे हमने 60 को 11 से डिवाइड किया, 60 हमारा टोटल काम है, 11 से डिवाइड किया, क्या डिवाइड हो रहा है? नहीं हो पा रहा। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, क्लोजेस्ट मल्टीपल यानी इसके निकटतम गुणनफल को देखेंगे। 11 का ऐसा गुणनफल जो निकटतम हो किसके, 60 के, ऐसा नंबर क्या है, 55। 11 इंटू 5 55। तो अब हमें क्या पता चला कि जो काम 55 का सॉरी 55 काम हम कितने दिन में कर सकते हैं। अब वही कॉन्सेप्ट है, 55 है, 11 के हिसाब से अगर हम करते हैं तो 5 दिन में होना चाहिए, सही। पर एक काम को करने में कितने दिन लग रहे हैं, सॉरी 11 काम को करने में कितने दिन लग रहे हैं, 2 दिन। तो ये 5 के में क्या हो जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा। देखिए जैसा पहले बताया था ना, क्योंकि अब एक काम जो एक दिन का काम नहीं था वो 3 दिन का काम था, तो हमने क्या किया, 3 का गुणा कर दिया। अब ये 11 जो है वो एक दिन का काम नहीं है, कितने दिन का काम है, 2 दिन का काम है। तो हम क्या करेंगे, 2 का 5 में गुणा कर दिया तो कितना आ गया, ये अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, 55/11। आप डायरेक्टली वहां पे हमें पता है 11 का 5 जो है, 11 × 5 हमारा 55 हो जाता है, तो हम सीधे 5 की जगह क्या लिख सकते हैं, 5 × 2 10 दिन में, ठीक है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 10 दिन। यानी हमें पता चल गया कि 10 दिन में कितना काम हो गया, 55 काम हो गया, 10 दिन में कितना काम हो गया, 55 काम हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें बचा हुआ काम करना है, बचा हुआ काम कौन करेगा। देखिए अगर ए प्लस बी पहले दिन आए हैं तो बी प्लस सी सॉरी ए प्लस सी दूसरे दिन, ए प्लस बी तीसरे दिन, ए प्लस सी चौथे दिन। यहां पे हमें क्या पता चल रहा है कि ऑड डेज यानी विषम दिनों पर ए प्लस बी आ रहे हैं और सम दिन यानी इवन डेज पर ए प्लस सी आ रहे हैं। तो अगर ऑड डेज पर ए प्लस बी आ रहा है तो 11वें दिन कौन आएगा, क्योंकि 10 दिन तो पूरा काम हो गया, तो 11वें दिन आएगा हमारा ए प्लस बी। अब काम बचा हुआ है कितना, 5, 60 काम करना था, 55 हो चुका है तो 5 काम बचा है, ये करेगा कौन, ए प्लस बी, जो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 सही, 5/6 दिन। अब कई लोगों को समझ में नहीं आया 5/6 कैसे आया, तो देखिए क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर ए 6 काम एक दिन में कर लेते हैं, ए प्लस बी 6 काम एक दिन में करते हैं, तो एक काम कितने दिन में करेंगे, 1/6। अब जितना भी बचा हुआ काम होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमने यही लॉजिक यहां पे अप्लाई कर दिया, बचा हुआ काम क्या रखा, ऊपर रखा, और जो जितना काम एक दिन में कर सकते थे उससे हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 10 सही, 5/6 दिन, सही। चलिए आगे बात करते हैं, अगर हम आगे बात करते हैं तो यहां तक हमने बात करी थी अभी पहले तक, जब लोगों की कार्य कितने दिनों में कार्य कर रहे हैं ये दे रखा हो। अब क्या होता है कि हमारे कई बार सवालों में कार्य क्षमता दे दी जाती है, जब कार्य क्षमता हमें दी जाएगी तब हम क्या करेंगे, तो देखिए यहां पे कि हम बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जैसे ये सवाल है, एक्स की कार्य क्षमता वाई की दुगनी है, एक्स की कार्य क्षमता जो है वाई की क्या है, दुगनी है, यानी कि वाई अगर एक दिन में एक काम करता है तो एक्स एक दिन में 2 काम करेगा, कार्य क्षमता दुगनी। तो अब देखिए यहां से हमारा सवाल कितने आराम से हो जाएगा, एक्स ये काम 18 दिन में पूरा करता है, अब भैया एक्स ये काम 18 दिन में पूरा कर रहा है तो ये कितना काम कर लेगा, देखिए एक्स एक दिन में 2 काम करता है तो 18 दिन में कितना काम करेगा, 18 × 2, सही। अब क्या है, 18 × 2 आ गया हमारे पास, अब वो कह रहे हैं ज्ञात करें ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे, अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, अगर एक्स 2 काम कर रहा है वाई 1 काम कर रहा है, दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे, 2 + 1 3 काम कर लेंगे, टोटल काम हमारे पास कितना हो गया था, 18 × 2, तो हम 18 × 2 यानी 36 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से ये चला गया 6 बार 6 × 12 दिन आंसर आ गया। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसे, एक्स और वाई का अनुपात है 2:1, एक्स ये काम 18 दिन में करता है, हमने माना एक्स एक दिन में 2 काम करता है तो 18 दिन में कितना काम करेगा, 18 × 2 = 36, यानी ये हो गया हमारा कुल कार्य। अब हमें क्या करना है, ये दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य कर रहे हैं ये निकालना है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 + 1 3, हमारे पास जो कुल कार्य आया था उससे हमने 3 से को उसको हमने 3 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास टोटल डेज आ गए 12।
कई जगह आप देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और लगा देते हैं लोग कि x की x और y की जो कार्य क्षमता का अनुपात है वो x और y के कार्य समय के अनुपात का उल्टा होता है। ठीक है, तो आप देखिए यहां से हमें क्या पता चला, ये 1/2 हो गया, सॉरी ये 2/1 हो गया। अगर x 18 दिन में काम कर रहा है तो y 36 दिन में करेगा, इसके दुगने में करेगा। सही, अगर इसके दुगने में कर रहा है फिर 18 और 36 का एलसीएम 36 हो गया, 36 से एक बार, 18 से दो बार, वही कंडीशन आ गई, 36 1+2 3 से डिवाइड करा, आंसर आ गया 12। तो कई जगह आपको ये भी मिल जाता है, पर हम इसमें क्यों एक स्टेप बढ़ाएं, हम सीधे एफिशिएंसी को लेकर ही सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में हमें बात कर रहे हैं कि A की कार्य क्षमता B से 3 गुनी है, यानी कि हमें यहां पर A की कार्य क्षमता, A और B की जो एफिशिएंसी है वो दे रखी है कितनी, 3:1, और A और वह B से 40 दिन कम लेता है, यानी A जो है वो B से 40 दिन पहले ही काम कंप्लीट कर ले रहा है। B से 40 दिन पहले क्यों काम कंप्लीट करता है, क्योंकि A B से 2 कार्य हर दिन एक्स्ट्रा करता है। अब B अगले 40 दिन में जो काम करने वाला है, B अगले 40 दिन में कितना काम करेगा, 40 × 1, वो A अपने ही कार्य दिनों में इसलिए पूरा कर लेता है क्योंकि वो इससे 2 कार्य हर दिन एक्स्ट्रा कर रहा है, यानी ये जो 40 काम है वो A के दिनों में इसलिए पूरा हो जाता है क्योंकि A हर दिन कितना काम एक्स्ट्रा कर रहा है, 2 काम एक्स्ट्रा कर रहा है। तो A अकेले ये काम कितने दिन में पूरा कर लेगा, 20 दिनों में, यानी एक काम करने में, पूरा करने में कितने दिन लेता है, 20। अब हमारे पास फिर से वही कंडीशन आ गई, जल्दी सॉल्व कर लेंगे, A के द्वारा कितने दिन लिए गए, 20, एक दिन में कितना काम करता है, 3, तो टोटल काम हो गया 20 × 3। अब ये दोनों मिलकर कर रहे हैं तो कितना दिन लेंगे, 3+1 4, 4 सेवन से डिवाइड कर दिया, 5 × 3 = 15, यानी ये दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम हो जाएगा, 15 दिन में काम हो जाएगा। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या किया, A और B की कार्य क्षमता थी 3/1, यहां पर A B कितना काम कर रहा है, 40 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, तो 40 × 1, B के द्वारा एक्स्ट्रा काम जो है वो आ गया, वो A कितने दिन में कर लेगा, क्योंकि A B से कितना काम ज्यादा कर रहा है, 2, तो हमने इसे अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, भी यही काम 20 दिन में, ए यही काम 20 दिन में कर सकता है। अब ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 20 × 3, हमारे पास कुल कार्य आ गया, डिवाइड बाय 4, क्यों, 3 और 1 = 4, तो हमारे पास ये दोनों मिलकर 15 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, उत्तर आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल में हमारी कंडीशन दे रखी है जहां पर हमें पैसे दे रखे, कितने रुपए में कोई काम कर रहा है, तो देखिए नॉर्मल कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो अगर सब लोग बराबर दिन काम कर रहे हैं तो उनकी कार्य क्षमता के अनुसार पैसे को बांट देते हैं उनमें, पर यहां पर क्या है कि हमारी कार्य क्षमता के बारे में अलग अलग काम दे रखा है, मतलब हर व्यक्ति अलग अलग दिन के लिए काम कर रहा है, तब क्या करेंगे, तब हम कार्य क्षमता के आधार पर नहीं, पर जो व्यक्ति जितना काम करता है उसके आधार पर पैसा बांटेंगे। अगर कोई 10 काम कर रहा है तो उसको 10 काम के लिए पैसा, अगर कोई 5 काम कर रहा है तो उसको 5 काम के लिए पैसा देंगे। तो यहाँ पे क्या है, अगर हमारा हर व्यक्ति अलग अलग दिन काम कर रहा है तो उस तरीके के सवाल को देखते हैं। यहाँ पे हमको दे रखा है एम और एन, किसी काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, 10 और 15 का एलसीएम हो गया 30, 3 × 2, वह एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन काम के 5 दिन बाद वह काम छोड़ देते हैं। अब इनने एक साथ काम किया तो कितना काम करेंगे, 3+2 = 5, और कितने दिन काम किया, 5 दिन, 5 × 5 = 25 काम कर लिया, कितना काम कर लिया, 25, 30 में से 25 काम ये दोनों ने कर लिया तो कितना काम बचा, 5। सी अगले 2 दिन में शेष काम पूरा करता है, तो एक बात समझ लीजिए यहां पर आपके जो 4500 रुपए हैं वो कितने काम के लिए, 30। अब वो कह रहे सी के हिस्सेदारी का पता लगाए, देखिए हमें पूरा पैसा चाहिए कि सी को कितना मिलेगा, सी कितना काम कर रहा है यहां पर, 5 काम कर रहा है बचा हुआ, तो देखिए 4500 रुपए 30 काम के लिए मिल रहे थे, तो अगर हम 45 को 30 से डिवाइड कर दे तो हमें एक काम के लिए पैसा पता चल जाएगा। मान लो जैसे 30 चेयर है, 4500 रुपए में बन रही है,
एक चेयर कितने की बनेगी, 4500 बटे 30। तो वही कॉन्सेप्ट लगाया, 30 काम था, 4500 रुपए मिल रहे थे, एक काम का हो गया 4500 बटे 30। अब पांच काम के लिए कितना रुपए मिलेगा, अब सी को पांच काम ने मल्टीप्लाई कर दिया, 30 से ये चला गया 150 बार, 150 इंटू पांच हो गया 750। अब कई लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि भैया 750 से आंसर आ गया, पर हमने 2 दिन का तो इस्तेमाल कहीं किया ही नहीं। देखिए, जब आप बेसिक से सॉल्व करते हैं तब आपको 2 दिन का इस्तेमाल करना पड़ता है, या फिर आपसे पूछा जाए दहाड़ी यानी डेली वेजेस, प्रतिदिन मिलने वाली धनराशि जो सी को। अगर हर दिन में ये पूछा था कि एक दिन में कितना मिलता, तब हम क्या करते, 750 को 2 से डिवाइड कर देते, क्योंकि 2 दिन में 750 मिल रहा है, तो एक दिन में कितना मिलेगा, 375। सही, पर अभी हमें यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, हमारा आंसर 750 आ जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, सी की हिस्सेदारी का पता लगाए, तो सी को कितने रुपए मिलेंगे, 750। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम आएगी। और अधिक वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल, या फिर अपने कमेंट्स और रिव्यूज देने के लिए आप जा सकते हैं mahindraguru.com पर। धन्यवाद।